IVM. हेलो, स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे मेरी यानी शिफा माइत्रा के साथ। उम्मीद है आप और आपके स्वस्थ और खुश हैं। इस साल हौसला साथ है तो वक्त ठीक से कट जाएगा। चलिए देखते हैं देश भर में कौन कौन सी बढ़िया बातें हुई। रेल मंत्रालय ने हाल ही में शुरू की देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी। शेषनाग है इस गाड़ी का नाम, जो तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी है और 4 इंजन्स पे चलती है। ये गाड़ी रेल मंत्रालय के नागपुर भाग की देन है। इस वक्त तो देश भर में सिर्फ कुछ गाड़ियां चल रही हैं, उन लोगों के लिए जिनका किसी जगह पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। पर जब सब कुछ खुलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी शेषनाग से मिलने। अब ये किस्सा सुनो एक पति पत्नी का, जिनका अपना निजी जंगल है रणथंबोर में। आदित्य सिंह और उनकी पत्नी पूनम दिल्ली में रहते थे और आदित्य को फोटोग्राफी का शौक है। इसी सिलसिले में वो शेर और अन्य जानवरों की तस्वीरें लेने जाया करते थे दिल्ली से सवाई माधोपुर। एक बार पत्नी भी साथ थी और देखा कि कुछ बंजर जमीन सस्ते दामों में मिल रही थी। दोनों ने खड़े खड़े निर्णय लिया कि दिल्ली की नौकरी और आराम छोड़कर यहां आ जाते हैं। दो प्लॉट लिए, एक पे घर और छोटा सा होटल बनाया और दूसरे पे सिर्फ जाली लगाकर छोड़ दिया। वहां उन्होंने पेड़ पौधे लगाए और बारिश का पानी जमा कर कई जगह पर पियाऊ बनाए। धीरे धीरे वहां नील गाय, हिरन और अन्य जानवर आने लगे। उनके चलते शेर भी आने लगे। अब जानवर स्थानीय किसानों की खेतों में नहीं जाते थे तो वो भी खुश थे। भदलाव नामक ये जगह बिल्कुल रणथंबोर पार्क से लग के है, तो बड़े बड़े शेर यहां से वहां आते जाते रहते हैं। अब आदित्य जब जी चाहे उनकी तस्वीरें ले पाता है। आदित्य और पूनम दोनों को पेड़ पौधों और प्रकृति से बेहद प्यार है और सामने अपने जंगल को पनपते देख उन्हें बेहद सुकून मिलता है। अब वो दो और होमस्टे बना रहे हैं जहां पर्यटक आकर ये सुंदरता देख पाए। यहाँ सूरज की ऊर्जा से सब काम होता है और दिल्ली से दूर इस दंपति ने अपनी ही दुनिया बना ली है। मौका मिलते ही मैं तो जरूर जाऊंगी इस जगह। एक और दिलचस्प कहानी पता चली है लोनावला से। ये मुंबई के पास स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसकी चिक्की दुनिया भर में मशहूर है, खासकर मगनलाल चिक्की। महाराष्ट्र में रहने वालों ने तो पक्का खाई होगी, पर अब तो ये देश भर में भी मिलती है। आप जानते हो इसका इतिहास? चिक्की शब्द आता है मराठी शब्द चिक्कट से, यानी चिपकने वाला। जब अंग्रेजों का राज था तो देश की पहली रेल स्थापना हो रही थी। ये चलनी थी बॉम्बे से लोनावला। काम कठिन था, जंगलों में रेल के लिए रास्ता बनाना। मजदूर थक जाते थे। तभी लोनावला के एक हलवाई ने बनाई एक मिठाई गुड़ सींगदाने और घी से। इससे मजदूर काम करते हुए खा सकते थे और तुरंत फुर्ती पा लेते थे। जिसने ये चिक्की चखी उन्हें और चाहिए थी। रेल विभाग ने मगनलाल चिक्की वाले को अनुमति दी कि रेल यात्रियों को भी वो आकर बेचे। दुकान आज भी लोनावला स्टेशन के पीछे है। अब गुड़ की जगह चीनी डलती है, पर स्वाद आज भी आपको बचपन और पहाड़ों में ले जाता है। और अब शिफा आपको बताएगी अपनी हमनाम के बारे में। डॉक्टर शिफा मोहम्मद केरला में एक सर्जन है। उनकी शादी तय थी इस महीने अपनी मंगेतर के साथ, जो दुबई में कारोबार चलाते हैं। पिछले 3 महीनों से शिफा अस्पताल और मरीजों के साथ बिजी थी। जैसे शादी की तारीख पास आती नजर आई, शिफा ने एक निर्णय लिया। बीमारी बढ़ती जा रही थी और मरीजों को बचाना इस वक्त उसका कर्तव्य था डॉक्टर होने के नाते। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि इस दिन मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, जब हालात थोड़े बेहतर होंगे तब कर सकती हूँ। उसके पिता खुद समाज सेवा करते थे और उसकी भावना समझ सकते थे, पर क्या ससुराल वाले मानते? उसके होने वाले शौहर ने शिफा से बात की और उसके काम के प्रति लगन देखकर उसने हामी भरी। अब शादी पता नहीं कब होगी, पर डॉक्टर की हाजिरी मरीजों के बीच रोज होगी। ऐसे डॉक्टरों के लिए, अपनों के लिए और अपने लिए सुरक्षित रहो। मैंने देखा है कि लोग अक्सर मास्क नीचे कर लेते हैं बात करते वक्त। ये गलत है, क्योंकि आप मास्क थोड़ी पे रखते हो जो अभी तक ढकी हुई नहीं थी, और फिर जब उसी मास्क को दोबारा नाक मुंह पे लगाते हो तो कीटाणु भी साथ आ जाते हैं। घर से बाहर मास्क हमेशा पहनो, चाहे आप रिश्तेदारों के साथ हो, दोस्तों के साथ या अनजान लोगों के। वायरस भेदभाव नहीं करता, तो कृपया करके आप भी सबको खतरा मान के चले। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूले IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या IVMPodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं।
हम @IVMPodcast हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @ShifaMaitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. Before I tell you about some of the shows that we have for you this week, I really wanted to kind of really point out the incredible efforts of our host and our team. We've been able to maintain most of our production schedule in this lockdown, which is going into 4 months now. And I couldn't be happier with the fact that our hosts and team have been able to kind of just get all of this stuff out so incredibly well. So I just really, really wanted to kind of call them out for that and thank them for their support in this time. And since I spent so much time talking about that and I want to get you out of here quickly, let me give you a quick update on a few shows that you should check out this week. On Siders, we had Amish Tripathi, really, really interesting discussion. Both of them dive deep into history. Monty Panesar was on Edges and Sledges, another really cool show. On Advertising is Dead, Tanmay Bhatt showed up. That was a cool episode. Malini Agarwal, also probably better known as Miss Malini, showed up on Absolutely Right. It's just been an absolutely gangbusters week in terms of like the kind of guests we've had and the conversations we've had on the network. Please, please do check some stuff out. And with that, we hope to see you again next week. Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I'm Vineet Kanabar and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to Storytellers and Story Sellers for personal stories, analysis and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today.